हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे दाल फ्राई कर रहे हैं, वो भी वर्मा जी अगेन फिर से वो आ गए हैं किचन में और वो यहाँ पे दाल तड़का बना रहे हैं। मैंने दाल बना दी है, चावल बना दी है, सोया मेथी की सब्जी भी बना दी है और यहाँ पे उन्होंने बोला मैं दाल फ्राई करूँगा। तो मैंने पूरी रेसिपी फिर से नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी और ये आ गए किचन में और इन्होंने कुछ काम अपना शुरू कर दिया। तो देख लीजिए आप इस तरह से इन्होंने फ्राई करा है। ये दाल मैं बना चुकी हूँ तो ये उसमें डाल रहे हैं वो फ्राई करने के बाद। तो इधर दाल बन चुकी है और यहाँ मैंने आलू सोया मेथी की सब्जी बना दी है और ये मैंने आज फिर से वो मिर्ची वाली बनाई है जो हरी मिर्ची को बनाते हैं। वो सैलेड कट चुका है, आटा लगा हुआ रखा है, इधर राइस भी मैंने बना दिए हैं। तो यहाँ हमारा लंच तैयार है, हम लोग जा रहे हैं अपना गर्मा गर्म लंच करने। और आज आपको पता है सुबह से हमारे घर लाइट नहीं आ रही है और अभी टाइम हो रहा है 1:15 क्योंकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को यहाँ लाइट चली जाती है। तो बस मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। एक्चुअली मैंने सोचा था बहुत अच्छा सा व्लॉग आज बनाऊँगी बट नहीं हो पाया। और यहाँ पर हमारी रोटियाँ बन रही हैं, चलिए कर लेते हैं लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी बज रहे हैं 6:30, ये देखिए शाम के 6:30 बज रहे हैं। सुबह से हमारे घर लाइट नहीं आई है और बहुत ज़्यादा परेशानी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि अभी कुछ मतलब गर्मी सहन करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस जैसे तैसे पूरा दिन निकल गया है और अभी तक लाइट नहीं आई। पहले ये था कि 5 बजे लाइट आएगी बट अभी तक लाइट नहीं आई। मैंने सोचा था बहुत अच्छा व्लॉग आज शूट करना है पर कुछ भी नहीं कर पाई। सोच रही थी अपने लिए कुछ कुछ करना है, स्किन में सोच रही थी मैं घर पर ही अपना फेशियल करूँगी। तो देखती हूँ फेशियल अब करती हूँ कि नहीं करती हूँ। बस थोड़ा सा मैंने खाने का रिकॉर्ड बस किया ही था पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरा मन नहीं हुआ कुछ भी रिकॉर्ड करने का, इसीलिए मैंने नहीं किया। और कुछ स्पेशल भी नहीं था, नॉर्मल सा सादा खाना था इसलिए। और सुबह से 10 बजे से लाइट गई, फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, बस 30% बैटरी बची है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आगे देखती हूँ शाम को कंटिन्यू करती हूँ कि नहीं करती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे जा रहे हैं क्योंकि गर्मी लग रही है। और अभी बस मुंह धुला है, बाल थोड़े से ठीक किए हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा ही लग रही है ना, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, करने का मन नहीं होता। और पीहू बाहर है, इसको मैं बंद कर देती हूँ, छत पे चलते हैं। पीहू है बाहर, वो तैयार हो गई है ऊपर जाने के लिए। तो चलिए छत पे चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, ऊपर आते ही ऐसे लग रहा है कि सांस सी आ गई है, बहुत अच्छी हवा लग रही है। अभी तक बहुत गर्मी है, मतलब नीचे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है यहाँ पे लेकिन हवा भी है तो ठंडा है मौसम, धूप है बट अच्छा है, शेड है ना तो गर्मी नहीं लगती और ये अच्छी सुहावनी सी एकदम धूप लगती है।
छत से नीचे आ गए हैं और अभी आपने देखा कि लाइट आ गई है। तो लाइट आई है आज 7:45 बजे, सुबह की 10 बजे की लाइट गई, 7:45 बजे आई है। और आज कोई व्लॉगिंग नहीं हुई है, बस आपसे अभी तक जो हुआ है वो चिट चैट ही हुई है। तो अभी बस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, सुबह की गर्मी। अब बस जल्दी से नहा के फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं चादर भी झाड़ लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह से बस ऐसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी काम नहीं किया था मैंने। और हाँ, मुझे आपको एक बात भी बतानी है, अभी आपको पता है मेरे घर के पास भी एक दो पॉजिटिव केस मिल गए हैं, तो अब सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डी मार्ट के पास ही मिल गया है, 2 पेशेंट मिल गए हैं, तो अभी डी मार्ट तो मेरे घर से बहुत ज़्यादा पास है और पता नहीं अब आने क्या होने वाला है। दिल इतना ज़्यादा घबरा रहा है कि क्या होगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो वही मैंने सोचा आप लोग को भी बताती हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना चादर ठीक कर रही हूँ और चलिए चादर वादर ठीक कर लेती हूँ। तो इधर मैंने सोचा चलो अपना मिरर भी क्लीन कर देती हूँ, कई दिन हो गए हैं सोच रही हूँ। डस्ट तो आती ही है क्योंकि मेरा घर ऑन रोड है, आपको पता ही है। तो मैंने सोचा चलो आज कर देती हूँ, अभी टाइम भी है। तुरंत छत से आने के बाद बॉडी गर्म होती है, जब वॉक कर लो एक्सरसाइज कर लो तुरंत नहीं नहाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो तब तक थोड़ा काम ही कर लेते हैं। और आज सच में सुबह से मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ खाना बनाया, झाड़ू पोछा जो हुआ है वही है, और बर्तन तो करने ही होते हैं, तो बस वही सब काम किया है। ऊपर एक्स्ट्रा काम ऊपरी कुछ भी नहीं किया है, तो बस मैंने सोचा चलो ये काम भी आज कर ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने सोचा कि सुबह से तो कुछ काम किया नहीं गया है, तो अभी थोड़ी सी डस्टिंग वस्टिंग कर लेते हैं, वो मैंने कर लिया है। और बेडशीट भी झाड़ दी है, क्योंकि अब रात में बहुत अच्छे से सोने की तैयारी है। लाइट सुबह से थी नहीं तो बहुत दिक्कत थी। और अब बस अब जा रही हूँ नहाने, 7:30 हो रहा है, 5-10 मिनट का काम था, हो गया। आ चुकी हूँ और अभी आपने देखा कि मैंने ये क्रीम लगाई है, तो ये क्रीम काफ़ी अच्छी है जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल बता देती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो मैं सबसे पहले आपको इसकी पैकेजिंग बता देती हूँ। ये देखिए, ये है कार्डबोर्ड की पैकेजिंग जिसमें कि ये आपका जो प्रोडक्ट है वो आता है। और इस कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में सब कुछ लिखा हुआ है, वाओ स्किन साइंस कोकोनट वाटर फुल क्रीम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और लग्जूरियस सी है। ये है गोल्डन कलर का इसका लिड, ये देखिए, और इसमें है डार्क ब्राउन कलर का कंटेनर जो कि काफ़ी अच्छा है, बट आप केयरफुली यूज़ करिए तो अच्छी, मतलब अपनी चीज़ों को आप केयरफुली यूज़ करते हैं तो वो अच्छा ही है। तो इसकी पैकेजिंग डिफरेंट क्यों है, देखिए, ये आप जब इसको ओपन करते हैं और आप इसे जब ऐसे पुश करेंगे तो आपका एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो ऐसे बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत ही हाइजीनिक है, आपको बार बार अपनी उंगली फिंगर करके उसको नहीं निकालना है कि वो बिल्कुल अनहाइजीनिक होगा। तो आपको अपना ऐसे प्रोडक्ट ले लेना है, यूज़ करने का तरीका बहुत अच्छा है। आप इसको अपने फेस पे एज अ डे क्रीम लगाइए, एज अ नाइट क्रीम लगाइए और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इस प्रोडक्ट की जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये कोकोनट फ्लेवर है, तो आपके पूरे रूम में आप में से बिल्कुल कोकोनट का ही फ्लेवर आएगा, जो कि बहुत ही स्मूथनिंग और बहुत ही रिफ्रेशिंग होगा। अब इस प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर लेते हैं, ये है 599 रुपीज़ का और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2020 से लेके 2022 तक है, तो 2 साल आप काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 50 ml, तो काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी है, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड है तो मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर वहाँ से चेकआउट करिएगा। एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको QR कोड दिया हुआ है, तो इस QR कोड से जब आप अपने प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट की रियलिटी पता चल जाएगी कि क्या ये ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे फेक प्रोडक्ट आ गए हैं, तो आप इस QR कोड से उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये है कार्डबोर्ड की पैकेजिंग और ये उसका एक्चुअल जो वाटर कंटेनर है वो है, और ये बहुत अच्छी पैकेजिंग में भी है। और आप सभी जानते हैं कि वाओ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो नो सिलिकॉन, नो पैराबिन और नो कलर होते हैं, मतलब उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं होता है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग ज़रूर इसको परचेज़ करिए और इसको एक बार आप यूज़ करिए। आप यूज़ करते हैं तो मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ड्रॉप लेकर के अपने फेस पे 5 ड्रॉप करके, मतलब 5 पॉइंट लगा लीजिए और अपने फेस को हल्के हाथों से रब कर लीजिए। आप इसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ डे क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आजकल इसको अपने डे क्रीम में यूज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ और सफल हो जाती है। और अगर आपका अंडरटोन जो थोड़ा डार्कर शेड पे है, तो इसको अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो स्किन टोन है वो लाइटर होते दिखाई देगा। तो ये प्रोडक्ट लेने के लिए अभी तक आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में ही देखना पड़ता था, बट अब वाओ की खुद की एक वेबसाइट हो गई है, ऐप हो गई है, तो आप वहाँ से भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे नए नए ऑफर्स भी मिलते हैं, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करिए वाओ की वेबसाइट में। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा। चलिए अब अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में अपना डिनर प्रिपेयर करने के लिए, और हमारा डिनर ऑलमोस्ट तैयार है, क्योंकि सुबह की मेरी दाल और सब्जी रखी हुई थी, तो बस मैंने सोचा चलो गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेते हैं। और आज सुबह का खाना बचा था तो आराम भी मिला, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दाल ज़्यादा है ही है ये देखिए, तो आज हम लोग इसी से ही अपना काम चला लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह का खाना हम लोग रात में नहीं खा सकते, वो दिन का ही खाना था, तो वही आज हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपने लिए एक पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बस पराठा सब्जी खाने का मन है, तो बस एक पराठा मैंने बना लिया है। और मैं ये आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे सादा आटा, एक सादे आटे के लिए अपनी रोटी, मतलब सॉरी पराठा बनाया है। चलिए बना लेती हूँ, डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे आके मिलती हूँ। बस अभी जस्ट फ्री होके आई हूँ, बर्तन क्लीन कर दिए हैं, थोड़ी देर वॉक भी कर लिया है, और मैं बैठी हूँ, फेस मैंने वॉश कर लिया है, फिर से पसीने पसीने हो जाते हो किचन में जाते ही। और आज का व्लॉग बस चिट चैट टाइप्स व्लॉग था, तो इसको लाइक करिएगा। बस यही है, कोरोना की वजह से सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए इसी के साथ अब बस ये व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, शेड्यूल में लगाते हैं, जिससे कल आप 10 बजे इस व्लॉग को देख पाएँ। चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय, गुड नाइट।